दोस्तों नमस्कार। और चलते हैं अलवर अनाज मंडी की तरफ और जान लेते हैं आज के अनाज मंडी भाव। दोस्तों आज है 5/8/2023, वार है शनिवार और जान लेते हैं आज का बाजार। दोस्तों मेरे चैनल द्वारा दी जाती है आपको डेली अलवर अनाज मंडी भाव की जानकारी और इसी क्रम अनुसार जान लेते हैं आज के अनाज मंडी भाव। तो दोस्तों आज जान लेते हैं, सबसे पहले बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है सरसों की तरफ से। दोस्तों सरसों का बाजार 5700 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो कल के बाजार एक बार 5650 रुपये प्रति क्विंटल रह गया था, उसमें भी 50 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी देखी गई है। और दोस्तों हमारी इच्छा है कि सरसों एक बार अब 6000 के करीब पहुंच जाए। दोस्तों इस प्रकार अब सरसों की आवक की तरफ चलते हैं तो लगभग 6000 कट्टे के करीब आवक देखी गई है। अब दोस्तों इसके अलावा रहा गेहूँ का भाव, वो 2275 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि कल के भाव का स्थिर माना गया है। दोस्तों चलते हैं अन्य भावों की तरफ। जो अन्य भाव है, बाजरा जो अनाज मंडी में नहीं के बराबर आ रहा है, उसकी आवक लगभग 1900 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि स्थिर बनी हुई है। इसके बाद जौ का भाव 1700 से लेकर 1750 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि आवक भी नहीं है उसकी और लगभग भाव स्थिर बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों ग्वार का भाव 5300 रुपये प्रति क्विंटल, जो कल का भाव भी 5300 रुपये प्रति क्विंटल था, आज भी वो लगभग स्थिर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर जो अन्य जिनसों की आवक नहीं के बराबर है और भाव भी लगभग स्थिर बने हुए हैं और सरसों के भाव में तेज़ी का रुक रहा। इसके बाद दोस्तों एक नई राहत की नई खुशखबरी आ रही है किसानों के लिए निकल के, चने के भाव में। दोस्तों चने का भाव जो काफ़ी दिनों से स्थिर बना हुआ था 5000 या 5050 के रुपये प्रति क्विंटल के बीच में, आज वो 5150 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो इस प्रकार चने के भाव में तेज़ी का रुक रहा। तो दोस्तों ये रहे आज के अलवर अनाज मंडी भाव। धन्यवाद।